माइनस टू। जनरल पॉलिनोमियल हम लोग का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है 5, सी की वैल्यू क्या है माइनस टू, इसको रहने दो। और हमने क्या बात की थी, अल्फा एंड बीटा हमारे जीरोस मान लेते हैं हम लोग, जीरोस जो भी निकलेंगे उनको नाम हम लोग अल्फा और बीटा देते हैं, ठीक है। और ये तो समझ में आया था ना कि इसको फैक्टराइज करने के बाद हमें जीरोस आराम से मिल जाएंगे, तो इसको फैक्टराइज करते हैं अब हम लोग। कैसे करना है, 5 को दो पार्ट में ब्रेक करना है ताकि 3 इंटू 2 माइनस 6 मिल जाए, माइनस 6 प्रोडक्ट मिल जाए। तो प्लस 6 इंटू माइनस 1 करने से हमारा काम हो जाएगा, प्लस 6 इंटू माइनस 1 यह करने से हमारा काम हो जाएगा। क्या आता है हमारा, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 6x माइनस एक्स माइनस टू। 3x कॉमन आ जाएगा, x प्लस टू माइनस कॉमन आएगा x प्लस टू, दैट इज इक्वल टू 3x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस टू, ठीक है। यहां से बताओ जीरोस क्या क्या आएंगे, जीरोस क्या क्या आएंगे, अल्फा हमारे पास माइनस टू आ जाएगा, यहां से इस टर्म को कंपेयर करोगे अल्फा माइनस टू आ जाएगा। बीटा क्या आएगा, बीटा क्या आएगा 1/3 आएगा, बीटा और अल्फा दोनों की वैल्यू हमें मिल गई, जीरोस यही दोनों होंगे, जीरोस यही दोनों होंगे। अब देख लो अगर फैक्टराइज नहीं करते तो 1/3 गैस कभी नहीं मार पाते, 1/3 गैस कभी कर पाते, कभी नहीं होता। तो फैक्टराइज करने, जीरोस निकालने के लिए फैक्टराइज करना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास सारे टर्म्स आ गए हैं, अब अल्फा बीटा ए बी सी सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में एक बार अब 3 को भी और कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 1/3 है ना, इसमें से 3 को कॉमन निकाल दिया, 3 कॉमन निकाल दिया, तो एक्स माइनस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस टू। तो हमारा पॉलिनोमियल आ गया है अल्फा टाइम्स सॉरी ए टाइम्स एक्स माइनस एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा के फॉर्म में आ चुका है, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। देखो मैच हो रहा है, अल्फा की वैल्यू हाँ अल्फा की वैल्यू माइनस टू, माइनस टू अगर अल्फा की वैल्यू यहां रखेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस टू जो इस टर्म के बराबर हो जाएगा, मैच होगा। बीटा की वैल्यू 1/3, बीटा की वैल्यू 1/3 रखेंगे तो ये दोनों मैच हो जाएंगे, एक्स माइनस 1/3 इज इक्वल टू एक्स माइनस बीटा। अल्फा की वैल्यू हमारी माइनस टू है, बीटा की वैल्यू 1/3 है, ठीक है, ठीक है। अब और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करो इस काम को, अब हमें इसको वापस से मल्टीप्लाई करना है, हम लोग को इसको वापस से मल्टीप्लाई करना है ताकि पूरा पॉलिनोमियल हमें नंबर्स नहीं ए बी सी और अल्फा बीटा के फॉर्म में मिल जाए, ठीक है। इसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, पी एक्स जो है हमारे पास है ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, सारी वैल्यूज हमें पता है, अल्फा की वैल्यू पता है, बीटा की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, बी और सी भी पता है जो अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जो किसके बराबर हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ए टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब हमारा पॉलिनोमियल दो फॉर्म्स में आ चुका है, एक पॉलिनोमियल यहां पे है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एक पॉलिनोमियल यहां पर है ए एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। इस दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, चूंकि दोनों पॉलिनोमियल एक ही है,
एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट्स को बराबर करेंगे तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू ए, इसमें कोई स्पेशल चीज नहीं आई। एक्स के कोफिशियंट्स को अगर बराबर करेंगे तो क्या आएगा, बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए इंटू एल्फा प्लस बीटा। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं माइनस ऑफ बी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। एंड कांस्टेंट टर्म को बराबर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट टर्म को बराबर करने से मिलेगा सी इज इक्वल टू ए टाइम्स एल्फा इंटू बीटा। तो सी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू एल्फा इंटू बीटा, रूट्स के बीच में एंड कोफिशियंट्स के बीच में यही रिलेशन है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड कोफिशियंट्स ऑफ द इक्वेशन के बीच में यही रिलेशन है। क्या है, सम ऑफ द रूट्स एल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, यही रिलेशन है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सम इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए।